अरे बिना मुझसे पूछे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? समझते क्या आपने आपको? जब चाह किसी का कार्ड कैंसिल कर दिया, आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं। दक्ष, इस तरह से रस्ते पर अच्छा नहीं लगता, चलो। अरे छोड़ूंगा नहीं इस बैंक वाले को। दक्ष, जरूर तुम्हारा कोई बिल पे नहीं किया गया होगा, तुम ऑफिस में चेक क्यों नहीं करते? मैंने ऑफिस में बात की पलक, पता चला ये सब पापा ने करवाया। क्या? जरूर मोहिनी के कहने पर पापा ने ये सब किया हो। पता नहीं मोहिनी ने पापा पर क्या जादू कर दिया है, सही गलत कुछ नहीं देख पा रहे वो। मुझे डैड से बात करनी होगी। कोई कुछ बोलेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पापा अपनी मनमानी किए जाए। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं डैड से बात करके आता हूं। दक्ष, तो अब तुम में इतना भी सलीका नहीं रहा कि किसी की कैबिन में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए। लेकिन आप शायद भूल गए, मैं किसी और की कैबिन में नहीं बल्कि अपने बाप की कैबिन में आया, और यहां आने से पहले मैंने आज तक कभी नॉक नहीं किया। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। हो गई पूजा पलक जी। मैंने तो पहले ही कहा था मुझसे टकराना इतना आसान नहीं है। माय गॉड, इतना गुस्सा। छी 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 छी, इतना गुस्सा करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है पलक जी। क्या है कि ज्यादा गुस्सा करने से ना इंसान कभी कभी पागल हो जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सासू माँ की तरह आपको भी हमें मेंटल असाइलम भेजना पड़े। तो प्लीज टेक केयर, ओके बाय। मैडम, आपकी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं टैक्सी मंगवाई है, वो आपको सारा मिल जाएगी। थैंक यू मधु, बाय। ओह गॉड, मोहिनी असाइलम जरूर कुछ करने जा रही है। क्या करूं, अगर मोहिनी ने कुछ गलत कर दिया तो दक्ष भी अभी तक आया नहीं, क्या करूं मैं? मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है, और इसके बारे में मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। Do you understand? पलक, पलक, मुझे बिना बताए पलक कहां चली गई? सर, वो तो हॉस्पिटल गई है और आपको भी वही बुलाया। हॉस्पिटल? मैडम, आपका काम हो गया है। मैंने सुषमा जी को इंजेक्शन दे दिया है। यस मैडम। डॉक्टर, मम्मी जी को कौन सा इंजेक्शन दिया है? किससे बात कर रहे थे तुम? बताओ। बिना पूछे अंदर कैसे आ गई आप? तुम पहले ये बताओ किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुम हो कौन? Where are the regular doctors? डॉक्टर, डॉक्टर। देखिए देखिए चिल्लाइए मत, ये हॉस्पिटल है। अरे मैं सीनियर डॉक्टर के कहने पर इन्हें इंजेक्शन देने आया हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने कौन सा इंजेक्शन दिया है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मम्मी जी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं जानती हूँ मोहिनी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है, मुझे पता लगाना पड़ेगा।
औरत, क्या प्लान कर रहे थे तुम उसके साथ? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये क्या पागलपन है? कौन है आप? बताओ मुझे। मतलब क्या कर रही हो? छोड़ोगे नहीं? I'm sorry. दर्श, मोहिनी यहाँ आई थी, वो डॉक्टर के साथ कुछ प्लान कर रही थी। मैं सच कह रही हूँ दर्श, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। लग संभालो अपने आप को। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और मोहिनी वहां पर नहीं थी। मोहिनी थी। I'm sorry, ma'am. हमसे थोड़ी सी गलतफहमी हो। भला क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? क्या चाहती हो तुम? मोहिनी मम्मी जी को मार डालेगी। वो इसी मकसद से यहाँ आई थी। मैं सच कह रही हूँ। माँ को कोई नहीं मारने वाला। मम्मी बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, एकदम है। मेरा यकीन क्यों नहीं करते? शिविल के लो। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो हम सीनियर डॉक्टर से बात करो। चलो मेरे साथ। सभी के चेहरे पे मुस्कान देखे हुए तुझे से एक वक्त सा गुजर गया है। सदमे पे सदमा, एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी आकर खड़ी है। अरे उन दो बिचारों के बारे में तो सोचो जिनकी अभी अभी शादी हुई है। दो पल खुशियों की भी नसीब नहीं हुए उन्हें। बस रहे दोनों। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चंद्रकांत जैसा बेटा ऐसे बदल जाएगा। अभी सुषमा के आंसू सूखे भी नहीं थे कि मोहिनी का बकेड़ा खड़ा हो गया। मती मारी गई है उसकी। अरे भला कोई ऐसा कर सकता है क्या? उधर सुषमा की चिंता, फिर दक्ष और पलक की चिंता, और उधर तुम्हारे बाबूजी तो निराश से हो गए हैं। कहते हैं मेरे बुढ़ापे का सहारा इतना कमजोर हो गया है कि वो खुद सहारा ढूंढ रहा है। माँ मत रो, प्लीज मत रो। जो होना था सो हो गया। अब जो हो रहा है ना उसको झेलने के सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। समय जरूर बदल से दादी माँ, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। हाँ माँ, मेरा मन भी यही कहता है। हाँ इसे विश्वास पे तो विश्वास है। अब देखें वक्त की कोख में क्या रखा है। डॉक्टर साहब, मम्मी की तबीयत कैसी है? शी इज फाइन। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, वो अभी गहरी नींद में। ये सब लोग मिले हुए हैं। पता नहीं इन्होंने मम्मी जी को कौन सा इंजेक्शन दे रखा है। अभी भी वक्त है, हम लोग मम्मी जी को यहाँ से लेकर चलते हैं। उनकी जान को खतरा है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं I'm sorry, डॉक्टर, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। दक्ष, मोहिनी ने सबको गरीब लगा। मैं बोल रही हूँ ये सब लोग मिलकर मम्मी जी को मार डालेंगे। अलग कंट्रोल यारसेल्फ, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो घर चलते। अलग चलो। देखा मोहिनी का कमाल, मान गए। बस अब देखती जाओ, आस्ते आस्ते एक खुशखबरी और आने वाली है। ऑन द वे है। पलक परेशान मत हो, जरा देख तूने अपना क्या हाल बना रखा है। हाँ बेटा, सुषमा को कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं दादी, आप जानते नहीं, वो मम्मी जी को नहीं छोड़ेगी। हेलो। हेलो, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। सुषमा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। मैंने कहा था ना आप लोगों से। दादी हमें हॉस्पिटल जाना होगा, मैं वहां से आपको फोन करूंगा। चलो पलक। Excuse me, sister. हाँ मेरी मदर है अंदर,
उन्हें क्या हुआ है? हाँ, वो अचानक से जोर जोर से कांपने लगी और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर्स चेक कर रहे। कहाँ जा रही हो पलक? मुझे बिना बताए कहाँ चली गई? आपको छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। दादी, तुम्हारी तबीयत तो ध्यान रखो दादी, प्लीज। चंद्रकांत, सुषमा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम वहीं जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं आना। अगर आप जाना चाहती तो आप जा सकती हैं। अगर सुषमा को कुछ हो गया है ना, तो हम भी नहीं रहेंगे इस घर में। चलो मंजुला। मिसेस मोहिनी कहाँ है? उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मिसेस मोहिनी ने डॉक्टर की मदद से सुषमा जी की जान लेने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर, ये शिकायत किसने लिखवाई है? मैंने। मैंने लिखवाई है मोहिनी के खिलाफ कंप्लेन। सिर्फ पलक ने कहा और आपने शिकायत लिख ली। आपके पास क्या सबूत है जिससे ये साबित हो कि मोहिनी इसमें शामिल है? हम इन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें इन पर शक है। इंस्पेक्टर, सिर्फ शक की बुनियाद पर मैं इन्हें अरेस्ट नहीं करने दूंगा। मैं पहले अपने लीगल एडवाइजर से बात करूंगा। आप अपने वकील के साथ बात कर लीजिए, लेकिन अभी तो इन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन हमारे साथ चलना ही होगा। अरे लेकिन आप रहने तो चंद्रिका, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ इनके साथ। वैसे भी मैं क्यों डरूं? मैं अगर सच्ची हूँ तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। चलिए इंस्पेक्टर साहब। रुको मोहिनी, मैं पहले कमिश्नर से बात करता हूं। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो सर। यस सर। ओके मिस्टर जागीरदार, अभी तो मैं इनको अरेस्ट नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर इनके खिलाफ एक भी गवाह या सबूत मिल जाए ना, तो इनको मेरे साथ चलना ही होगा। श्योर। ये क्या कह रही हैं आप? आप इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती? मैं कुछ नहीं कर सकती, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है। लेकिन मैं कह रही हूं ना, आई एम द विटनेस। सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं कर सकती। मोहिनी आखिर कब तक? बस पलक, बहुत हो चुका, आप कुछ मत कहना। आज तक इस परिवार में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो। जब से तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं, कुछ ना कुछ अशुभ, कुछ ना कुछ गलत होता रहा है हम लोगों के साथ। शादी के वक्त भी मैंने कहा था आप लोगों से, इस लड़की के साथ तक्ष की शादी मत करवाओ। नहीं सुनी आप लोगों ने? देखो क्या करने पर तुली हुई है आज। सबको बर्बाद कर देगी ये, तहस नहस कर देगी हमारे परिवार को ये।
बा को जूस में पॉइजन इसी ने दिया था। सुषमा के साथ भी कुछ ना कुछ गलत इसी ने किया होगा और इल्जाम मोहिनी पर जा रहा है। आज तो तुम पुलिस को इस घर में ले आई, लेकिन याद रखना अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो एक दिन मैं पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा। चंद्रकांत बस बस मोहिनी बस, ले जाओ इसे यहां से। चलो बेटा। नहीं दादी, बोले दीजिए इनको जितना बोलना चाहते हैं। एक बार गुस्सा निकलने के बाद ही ने पता चलेगा कि कौन गलत है। नहीं बेटा, कुछ भी कहने या सुनने का अब कोई मतलब नहीं रहा। चलो यहां से। पलक, तुम सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाना जानती हो। तुम इतनी नीचे गिर चुकी हो कि मुझे और मोहिनी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, और मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। बस करो चंद्रकांत। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा? मम्मी। क्या हुआ, क्या हुआ सुषमा को? मम्मी नहीं, नहीं। क्या हुआ दादी? सुषमा, हमारे बीच नहीं रही। मैंने कहा था ना आप सबसे कि ये मम्मी जी की जान ले लेगी, उन्हें बचा लीजिए, लेकिन किसी ने मेरी एक ना मानी। आखिर जान ले ही ली ना तुमने। शट अप पलक, जस्ट शट अप। अगर सुषमा को किसी ने मारा है तो पुलिस उसका पता लगा कर रहेगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ ही जाएगी। लेकिन तुम मोहिनी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे फंसा रही हो। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वो मरी जाएगी।